सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आयुष पॉइंट के 1 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और मित्रों, आज भी द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कशन के लिए आए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं उनकी डिस्कशन को। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। तो यदि हम बात करें आज के टॉपिक्स की, तो वो टॉपिक्स में जो आज का मतलब सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक्स है वो है इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, अपने आप में कुछ वैल्यू रखते हैं। सेकंड में हम PLA एग्रेशन जो कि हमारे फर्स्ट पेज पे ही आया हुआ है, जिसमें पीपुल लिबरल आर्मी जो कि चाइनाज की आर्मी है उसके अंतर्गत कुछ एक्टिविटी भारत में देखने को मिली है, तो उस पर भी डिस्कशन हमें करना है। उसके बाद ह्यूज फॉल्स इन GDP में एक भारी गिरावट दर्ज की गई है, इस पर भी हम फुल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एडिटोरियल पेज की पहले आर्टिकल जिसका नाम है क्वांटम नॉट अ सोलेस, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद GST रिफॉर्म्स और UPI रिपोर्ट जो कि अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम आप सभी को आज द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन एक प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप सभी लिखकर अपनी लेखन शैली में अपनी राइटिंग स्किल में बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यदि बात करें आज की न्यूज़ की, तो आज के जो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रणब मुखर्जी, उनकी डेथ हो गई है। तो उनके बारे में थोड़े कुछ फैक्ट्स को हम सभी तैयार करते हैं। इनका जो अगर बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो ये भारत के तेरहवें राष्ट्रपति थे और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 में और डेथ इनकी हो गई कल की डेट में लगभग 4:30 बजे। इनको लंग्स में कुछ इन्फेक्शन से चलते इनकी डेथ हो गई। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। हमारे जो अगली इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है रियर रेनाटी चोलास ईयर इंस्क्रिप्शन अनअर्थेड। तो आंध्र प्रदेश में एक जो चोल युग चल रहा था इतिहास में, यदि आप स्टडी करेंगे तो वहाँ के लेख प्राप्त हुए, इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। जो लेख थे डोलोमाइट पे लिखे गए हैं, तो ये पाए गए हैं वहाँ की खुदाई में। तो कहाँ मिले हैं? आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ पर मिला उस विलेज का नाम है चिन्ना दुद्याला विलेज में कडप्पा डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश में ये इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। तो इसको भी आप सभी तैयार किए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बेसिकली लेबनान से संबंधित है, जहाँ की इस समय प्राइम मिनिस्टर के पद के निर्वाचित जो सदस्य जिनको निर्वाचित किया गया है वो है मुस्तफ़ा अदीब। इनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब, जो कि प्राइम मिनिस्टर पद पे मतलब जल्द ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बनने वाले हैं। एक तरफ से समझ लीजिए कि बन चुके हैं। तो ये जहाँ पे बेरूत ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों, अगर न्यूज़ में आप देखे होंगे, जिसमें लगभग 190 लोगों की मौत हुई, 5,000 से अधिक लोग घायल हो गए और 2750 टन जो अमोनियम नाइट्रेट था जिसके विस्फोट होने की वजह से ये घटना हुई, उसके बाद से ही सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार चल रहा था। और जो वहाँ के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने संपूर्ण कैबिनेट के साथ ही, और इसी के साथ ही मुस्तफ़ा अदीब को अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनाने की घोषणा कर दी गई है। देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है वो बेसिकली हमारा फ्रंट पेज का पहला आर्टिकल है, जिसमें है PLA एग्रेशन ब्लॉक एट द पेंगोंग सो। तो पेंगोंग सो पर फिर से एक बार पीपुल लिबरल आर्मी जो कि चाइनाज की आर्मी है उसका एग्रेशन देखने को मिला है, जैसा कि गलवान वैली पे पिछले दिनों देखने को मिला था। लेकिन इस बार हमारे जो मिलिट्रीज थे, हमारे जो जवान थे, वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे और उनको करारा जवाब दिए। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट हमको देखने को मिलेगा वो है इन एस्केलेशन ऑफ ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ ऑन डिस्प्यूट बाउंड्री इन लद्दाख, चाइनीज ट्रूप्स कैरिड आउट एग्रेसिव मूव्स ऑन नाइट 29 अगस्त से ये एग्रेशन मूड में आ चुके थे। इसके बाद अब यदि बात करें तो कल की डेट में, यानी कि ऑन इलीगली क्रॉसिंग द लाइन ऑन August 31 of 2 points, तो लगभग 31 अगस्त को ये लाइन को क्रॉस करने लगे, लगभग 500 सैनिक थे। तो हमारे जो सैनिक थे उन्होंने इसका करारा जवाब दिया और इनके सभी सैनिकों को पीछे धकेला। तो थोड़ा सा इस घटना को पेंगोंग सो जो झील है इसके सामरिक महत्व को समझते हैं और थोड़ा सा इसको हम मैप के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा देखते हैं इसकी मैपिंग क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है और इसकी अवस्थिति क्या है।
तो ये है बेसिकली पेंगोंग सो झील, जो ये एक भारत और चाइना के बीच जितने भी मतलब बॉर्डर्स पड़ते हैं बेसिकली ज़मीनी विवाद हैं, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा है जहाँ पर जलीय विवाद है, मतलब कि ये सीमा जो है जल से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसके मैप को समझते हैं, भारत में इसकी मैप में कहाँ इसकी अवस्थिति है। तो वो है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि पेंगोंग सो जो कि ये जो लद्दाख का क्षेत्र है उसी के आसपास पेंगोंग सो है, इधर आपका है नाकुला सेक्टर, इधर आपका चाइना है, इधर तिब्बत है, नेपाल है, और ये आपका इंडिया आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर ये पेंगोंग सो है। तो यहीं पर डिस्प्यूट जो इस वक्त जो समस्या देखने को मिली है कि यहीं क्या इसी के आसपास है, क्योंकि चाइना बार बार क्रॉस बॉर्डर करता है, क्योंकि बार बार वो क्लेम करता है, बॉर्डर क्लेम करता है कि इसका बॉर्डर यहाँ, और बार बार वो उसकी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी ही है कि जिसके अंतर्गत वो दूसरे देशों की जो ज़मीन है उसको खुद का मतलब कि उस पर आधिपत्य बताता है और उस पर क्लेम करता है। तो थोड़ा सा इसकी और बेसिक चीज़ को देखते हैं हम, इसको यदि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये आपका है पेंगोंग सो ये जो झील है और इसी के आसपास ये विवाद है, जो सीमा विवाद है इसी में आसपास है, क्योंकि ये जो सीमा है पेंगोंग सो झील के आसपास ही पड़ती है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कशन को कि ये क्या है। यदि हम बात करें पेंगोंग सो झील, तो यह एक लंबी गहरी संकीर्ण झील है जो कि लद्दाख क्षेत्र में लगभग 4,350 मीटर की ऊँचाई पर पड़ती है। ये जो झील आप देख पा रहे होंगे ये लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख से। और इस झील की यदि हम बात करें चौड़ाई, इस झील की अगर हम बात करें पहली बार चौड़ाई तो वो है 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर। और यदि हम लंबाई की बात करें, और यदि इसकी हम लंबाई की बात करें तो वो है 134 किलोमीटर। और यह जो है खारे पानी की झील है, तथा इसकी खासियत ये सर्दियों में जम जाती है, और यह जो झील है सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा भी नहीं है। हालांकि यह अद्वितीय है कि जहां यह विवाद मतलब कि यह जो विवादी सीमा है पानी से ही गुजरती है, इसीलिए और ज़्यादा विवाद का कारण बना हुआ है। और यह जो है झील बेसिकली चुसूल के रास्ते में पड़ती है। तो भारत का इस विवाद का देखिए प्रमुख कारण क्या है, डिस्प्यूट का प्रमुख कारण क्या है कि भारत दावा करता है कि LAC जो है फिंगर एट से शुरू होता है, और जबकि चाइना कहता है कि यह जो LAC है फिंगर टू से शुरू होती है। तो इसी बात को लेके विवाद चलते रहते हैं। और फिलहाल वर्तमान टाइम की अगर बात करें तो भारत जो है फिंगर फोर को नियंत्रित करता है। किसको? फिंगर फोर को। तो फिंगर क्या है, तो यदि आप इसकी संरचना को देखेंगे तो फिंगर नुमा एक हथेली की संरचना के समान है, जिसमें उंगलियों के समान इसको माना गया है। यदि आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आपको फिंगर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो अगले वीडियोस में आपको वो भी प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, इसमें लिखा है GDP फॉल्स 23.9% इन फर्स्ट क्वार्टर, यानी पहले चौथाई में जो GDP है वो लगभग 23.9% का उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके अंतर्गत क्या डाटास प्रस्तुत किए गए, सिर्फ हमें उन डाटास को ही प्रोवाइड मतलब कि गेन करना है। यदि बात करें द इंडियन इकोनॉमी सॉ इट्स फर्स्ट कंट्रैक्शन इन डिकेड्स विथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP श्रिंकिंग बाई 23.9% इन द अप्रैल टू जून क्वार्टर इन कंपेरिजन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाई नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ऑन मंडे। देखिए ये जो डाटा दिए जाते हैं, जो भी डाटा मतलब दिए जाते हैं, ये किस प्रकार दिए जाते हैं और इसमें जो भारत की जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद ही मतलब कि चिंतनीय बनी हुई है। मतलब हम जानते हैं कि कोरोना के चलते जो चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है उसकी पहली तिमाही अर्थात अगर हम बात करें अप्रैल से जून तक यानी पहली जो तिमाही अप्रैल से जून तक है उसमें देश की जो आर्थिक विकास दर यानी कि जो GDP की ग्रोथ रेट है उसमें 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। और इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 की जो चौथी तिमाही थी उसके दौरान अगर जैसे चौथी जो मतलब कि तिमाही थी उसके दौरान ग्रोथ रेट जो थी वो लगभग 3.1% दर्ज की गई थी। यदि आप इसके समस्त डाटास को पढ़ते हैं तो आपको इस समय जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो GDP में गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट होने के प्रमुख कारण क्या हैं, आप सभी ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड में ही पेंडेमिक का टाइम चल रहा है बेसिकली यही प्रमुख कारण बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मंडे को जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा यानी कि
ओ के द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया गया उसके अंतर्गत ये कहा गया कि हमारी जीडीपी में लगभग 23.9% की गिरावट अप्रैल टू जून जो इसका चौथ जो मतलब कि चौथी जो तिमाही थी इसके दौरान इसकी ग्रोथ रेट थी। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख डाटा दिए गए, उन डाटाज को सबसे पहले हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी क्या होती है आप सभी जानते होंगे कि एक साल के भीतर जो देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। यह किसी भी अगर जीडीपी की बात करें तो यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। बात करें जो एनएसओ है वो जीडीपी के आंकड़ों को, एनएसओ का मतलब क्या होता है वही आप जस्ट ऊपर जो पढ़े हैं कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ जीडीपी के आंकड़े को हर तिमाही यानी कि एक साल में चार बार प्रस्तुत करता है। तीन तीन महीने पे आंकड़ा कौन प्रस्तुत करता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो इस बार की जो चौथी जो तिमाही थी इसके अंतर्गत ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। अब बात करें इस आंकड़े की, तो इसमें ये कहा गया कि द एग्रीकल्चर वॉज द ओनली सेक्टर विच रिकॉर्डेड अ मॉडेस्ट ग्रोथ ऑफ 3.4% इन ईयर ऑन ईयर टर्म्स। ऑल अदर सेक्टर्स सा कंट्रैक्शन विद द स्लिपेस्ट फॉल 50% इन द कंस्ट्रक्शन। मतलब ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जीडीपी में जो शामिल किए गए कुछ सेक्टर्स होते हैं, लगभग 8 सेक्टर होते हैं, इन 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर ही यानी कृषि ही एक प्रमुख इकोनॉमिक्स का सोर्स बना हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि केवल कृषि में ही एक रिकॉर्डेड मतलब एक इंक्रीमेंट ग्रोथ दर्ज की गई, रिकॉर्ड की गई, वो भी कितने परसेंट की? 3.4% की। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यह जो आंकड़ा है सोमवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि अब बात करें नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है कि ऑल अदर जो सेक्टर्स हैं, हमने कहा कि 8 सेक्टर्स में से जो कृषि है वो अपने आप में बढ़त दर्ज किया है 3.4% का। बाकी जो ऑल अदर सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन विद द स्टीपेस्ट फॉल ऑफ 50% इन कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें लगभग 50% का गिरावट दर्ज की गई, और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस में जो है श्रिंकिंग देखी गई 47% की। यानी कि जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें जो वृद्धि दर है उसमें 47% की गिरावट दर्ज की गई है, और जो इस जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी 50% गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग श्रैंक मोर देन 39%, वाइल्ड माइनिंग एंड क्वेरिंग ड्रॉप 23%। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है उसमें भी 39% की गिरावट हुई है, जो माइनिंग है और जो भी सिस्टम है इसमें भी लगभग 23% की गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही चिंताजनक विषय है। तो कहने का मतलब ये जितने भी गिरावटें, जितने भी डाटा प्रस्तुत किए गए हैं नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक विषय है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली हमारे एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत लिखा गया है क्वांटम नॉट सोलेस। क्योंकि क्वांटम का मतलब होता है कि एक प्रकार से मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में राहत, बहुत ही कम मात्रा में या मात्रा एक तरफ से कह सकते हैं। सोलेस मतलब होता है राहत देना या फिर सांत्वना देना। तो मतलब कि ये क्वांटम नॉट अ सोलेस तो कम ही मात्रा में है लेकिन ये सांत्वना नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो प्रशांत भूषण का जो केस पिछले कुछ दिनों से लगातार हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है उसी पे टिप्पणी की, क्योंकि उसके अंतर्गत सजा का ऐलान सुनाया गया है जिसमें प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना या फिर यदि आप उसको 15 सितंबर तक वो पेड नहीं करते हैं तो उनको 3 महीने की जेल और लगभग 3 साल की उनको डिबार किया जा सकता है क्या कोर्ट में केस लड़ने से। तो इस प्रकार के मतलब कि स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा देखने को मिले हैं। तो इसी पे बेसिकली आज का जो पहला आर्टिकल है बेस्ड है। तो लिखा है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट सेंटेंसेस ऑन भूषण डिमिनिश्ड इट्स स्टेटर एक्सपोज इन इंटॉलरेंट साइड। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये सेंटेंस था यानी जो ये डिसीजन था कि इस पर प्रशांत भूषण जो कि उन पर टिप्पणी किए थे अपने ट्विटर के दो ट्वीट के माध्यम से, उन्होंने पिछले जो पूर्व जज एस ए बोबड़े थे उन पर टिप्पणी किए थे वो, तो उन पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटेंस आया, जो डिसीजन आया, वो कहीं ना कहीं डिमिनिस्ट करता है। डिमिनिस्ट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के महत्व को कम करना। इट्स स्टेटर मतलब उसके जो स्टेटस है, जो उसका किसका सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है उसको कम करता है। मतलब
कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, जो ये निर्णय हुआ है, इसके अंतर्गत ये एडिटर करना चाहता है प्रशांत भूषण के अनुसार, प्रशांत भूषण के ऊपर जो कार्रवाई के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो उसने इस फैसले ने और इस पूरी एक्टिविटी ने सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटस है उस महत्व को कम कर दिया है, उसकी मतलब की रेपुटेशन में कहीं कहीं गिरावट आई है, एक्सपोज इनटॉलरेंट साइड, और साथ ही साथ उसके इनटॉलरेंट जो साइड है, मतलब टॉलरेंट मतलब होता है सहिष्णुता और इनटॉलरेंट मतलब असहिष्णुता, मतलब उसके जो असहिष्णुता की जो साइड है, पक्ष है, उसको भी एक्सपोज किया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो सहनशीलता की जो सिस्टम है उसको भी एक्सपोज किया कि सुप्रीम कोर्ट में सहनशीलता बिल्कुल लगभग नहीं है। तो द पेनाल्टी मे बी माइल्ड बट इट्स इम्पोर्टेंट इज क्वाइट ग्रेव, तो जो पेनाल्टी है बी माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है कम, ये पेनाल्टी भले ही कम हो सकती है, पेनाल्टी ये जो एक रुपये की पेनाल्टी दी गई है वो भले ही कम हो, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट है क्विट ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, भले ही वो मतलब पेनाल्टी कम हो लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही बहुत बड़ा महत्व रखती है, बहुत मतलब कि गंभीर महत्व रखती है। इन इम्पोजिंग अ नॉर्मल फाइन ऑफ 1 rupees एंड एडवोकेट प्रशांत भूषण फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, तो जो प्रशांत भूषण के द्वारा जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था, यानी कि अदालत की जो अवमानना की गई थी अपने ट्वीट के माध्यम से प्रशांत भूषण के खिलाफ, तो उन पर 1 rupee का यही जो नॉमिनी फाइल किया गया था, मतलब कि नामित किया गया था, थोपा गया था कि 1 rupee का जुर्माना आपको देना, नहीं तो 3 महीने की जेल और 3 साल की 3 महीने की जेल और 3 साल का आपको डिबार किया जाएगा। तो या तो अब वो दीजिए या फिर आज की मुहिम तो सर्व 3 month सिंपल प्रिजन, या तो अब 3 महीने जेल में रहिए, टर्म्स ही डिबार फ्रॉम 3 years फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आप 3 साल के लिए जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में उसके लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा, उसको आप उसके लिए आपको रोक दिया जाएगा। बट द सुप्रीम कोर्ट हैज बियर्ड इट्स डार्क, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के साथ साथ क्या कर दिया, बियर्ड इट्स बार्क, बियर्ड मतलब होता है दिखा देना, और डार्क मतलब अंधेरा, यानी अपने अंधेरे को दिखा देना, मतलब अपनी असहनशीलता को दिखा दिया इस आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिकली यही बात ही कही जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो भी क्रिटिसिज्म होता है सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी बड़ी संस्था के प्रति जो क्रिटिसिज्म होता है उसके 2 पहलू होते हैं, लेकिन जैसे अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें अगर उसकी आलोचना हो रही है तो उसको इतना जल्दी अपनी असहनशीलता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और इस तरह पूरे मैटर जिस प्रकार फैलाया गया इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो ये इस आर्टिकल में बेसिकली इन्हीं सब एजेंडों की चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो हमारे एडिटोरियल पेज का ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है द एनवायरमेंट इज अ नेशनल इश्यूज, कि जो पर्यावरण है वो एक प्रकार का राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय इश्यू है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि इस आर्टिकल की बात करें तो इसको हाईलाइट तो होने का जो फॉर्म है उसके अंतर्गत ये है कि एनवायरमेंट इश्यूज आर करंटली एट द सेंटर ऑफ द हीटेड डिबेट, एक गर्म बहस के फॉर्म में उभर के सामने आ रहा है। इवन द कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें कि अगर हाउ इंडिया फेयर्स कि इट मे बी पॉलिटिकली कन्वेंट, जो भी ये था पॉलिटिकली कन्वेंट था, लेकिन साथ ही साथ जो अगर बात करें हाल ही की जो घटना की कि बट नॉट प्रेजेंटिंग द कंप्लीट पिक्चर टू एक्सप्रेस शॉक एट इन इंडिया बीइंग रैंक्ड एंड 177 आउट ऑफ द 180 कंट्रीज इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, तो जो 2018 की जो EPI रिपोर्ट थी, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2018 की थी, इसके अंतर्गत भारत की जो प्लेस था वो था 177 आउट ऑफ 180 कंट्री, यानी 180 देशों में 177वां उसका स्थान था, जो कि अपने आप में बेहद ही चिंताजनक था। साथ ही साथ बात करें इसके अतिरिक्त इन द जून 2020 और बात करें इस साल जून 2020 की, तो EPI इंडेक्स की रिपोर्ट आई, इसके अंतर्गत इंडिया की जो रैंक आई वो इम्प्रूव एट 168 नॉट 177 विच इज़ द रैंक 2018 रैंक, यानी कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन उसमें आप भी 180 देशों में से जो भारत का जो रैंक है वो है 168वां, जो कि अपने आप में काफ़ी मतलब कि बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। तो EPI क्या है, इन्वायरमेंटल
परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, बेसिकली ये भी आज का हमारे एक प्रमुख चर्चा का विषय है। तो यदि बात करें द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का, तो ये अपने आप में हैज़ बीन डेवलप्ड बाई US यूनिवर्सिटीज़, येल एंड कोलम्बिया इन कोलेब्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, यूरोपियन कमीशन एंड अवेलेबल रैंकिंग सोर्स इंडिया 118 इन 2006, 123 इन 2010 एंड 155 इन 2014, 177 इन 2018, देयर बाई गिविंग अ मैसेज अपोजिट टू द सॉट टू बी कन्वेड रिगार्डिंग आवर स्टैंडिंग 177 इन 2018। तो अगर बात करें इसकी, तो हाल ही में जो येल विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा जो बाइनियल मतलब होता है द्विवार्षिक, यानी जो रिपोर्ट आती है वो बाइनियल होती है, दो दो साल पे आती है। तो ये हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाला जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, यानी इन्वायरमेंटल जो परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, उसमें भारत 180 देशों में से 168वें स्थान पर रहा। और यह जो है, यानी कि EPI जो है, विभिन्न देशों की सतत स्थिति की आकलन का विभिन्न प्रदर्शन के आंकड़ों के आधार पर करता है। बात करें 2018 में भारत का जो स्थान है 177 रहा, तथा जो इसका स्कोर रहा वो 30.57 था, कितने में से 100 में से, आउट ऑफ 100 में से इसका स्कोर रहा। जबकि यदि बात करें कि 2020 की जो रिपोर्ट आई जून में, EPI की जो रिपोर्ट आई, यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट आया, इसके अंतर्गत भारत ने 168वां स्थान प्राप्त किया 180 देशों के बीच में। साथ ही साथ इसका जो स्कोर रहा वो 27.6 रहा, कितने में से 100 में से। तो ये रहे उसके आंकड़े। अब ये जो बात करें, जो ये जो मतलब कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब डेवलप किया गया है, दो ठो US यूनिवर्सिटी इसके द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका नाम है येल और कोलम्बिया। तो इन दोनों कोलैबोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब तो यदि हम बात करें कि जो प्रमुख देशों के अंतर्गत जो भारत का जो पर्यावरणीय मतलब कि जो आंकड़े के अंतर्गत इस भारत की गणना की गई, तो भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रमुख मापदंडों, जिसमें वायु की गुणवत्ता, पेयजल स्वच्छता, भारी धातु अपशिष्ट जो प्रदर्शन आदि शामिल था, इन्हीं सब के आधार पे जो भारत है अन्य देशों की तुलना में काफ़ी उसका खराब प्रदर्शन रहा। अब बात करें पिछले कुछ सालों के आंकड़ों की, ये आपको याद होनी चाहिए कि इंडिया की जो रैंक 2006 में थी वो 118 थी, 2010 में 123 थी, 2014 में 155 थी, 18 में 177 थी, और 2020 टाइम में आप देख ही पा रहे होंगे 168 थी। तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। साथ पे साथ इस स्टेटमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे कि फॉरेस्ट वाज अ स्टेट सब्जेक्ट अंटिल ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट जो जंगल है वो स्टेट सब्जेक्ट न रहकर वो एक कंकरेंट लिस्ट बाई वो कहीं ना कहीं केंद्र का विषय बन गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। यदि बात करें 42वें संविधान संशोधन के अनुसार नागरिकों कर्तव्यों की, तो पहला जो कर्तव्य होता है राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय झंडे का सम्मान देना, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े होना तथा उसकी रक्षा करना, साथ ही साथ भाषा धर्म व क्षेत्र को पीछे रखकर अपनी आपसी सद्भाव को बढ़ाना तथा आपसी संस्कृति व सभ्याचार की रक्षा करना। और इसके साथ ही जो आप इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है वो ये है, वातावरण यानी वृक्षों, झीलों, जंगल, नदियों व जंगली जीवों को बचाना भी हमारे 42वें संविधान संशोधन में ही अंतर्निहित है। साथ ही साथ इंसानियत की भावना पैदा करना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में होने वाले अच्छे कामों को देश निर्माण के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये सब संपूर्ण आस्पेक्ट थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखते हैं इसके से जुड़े नेक्स्ट आस्पेक्ट को। यदि बात करें प्रमुख देशों की जो EPI रैंकिंग आई इस साल, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर रहा वो रहा डेनमार्क का, पहला रैंक रहा डेनमार्क का, लग्जमबर्ग का रहा दूसरा स्थान, अमेरिका का 24वां स्थान, और साथ ही में चीन का 120वां स्थान और लाइबेरिया का 180वां स्थान। और साथ में अगर बात करें अगले एस्पेक्ट की,
तो इसके अंतर्गत दक्षिण एशियाई देशों की भी ईपीआई रैंकिंग को दर्शाया गया, जिसमें भूटान है 107वां रैंक, श्रीलंका है 109वां, मालदीव है 127, पाकिस्तान 142, नेपाल 145, बांग्लादेश 162, भारत 168 तथा अफगानिस्तान 178। तो ये आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा तैयार भी होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में यदि आप देखें तो लिखा हुआ जीएसटी रिफॉर्म नीड्स अ न्यू ग्रैंड बार्गेन। तो यदि हम जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, तो इसी पे बेसिक ये पूरा आर्टिकल सन्निहित है। यदि हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी आप सभी जानते होंगे जीएसटी किसे कहते हैं। जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में क्या हो गया था, लागू हो गया था। और यदि हम बात करें जिसमें जो बड़ी संख्या में जो केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य स्तर पर जो लगने वाले जो इनडायरेक्ट जो टैक्स थे यानी अप्रत्यक्ष जो कर थे, उनके स्थान पर कई कर में उन सभी को विलुप्त कर दिया गया, सन्निहित कर दिया गया। और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बातों का हमें डिस्कशन, इसमें जो पॉलिटिकल बातें हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं उसका हमें डिस्कशन करना है। लेकिन यदि हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी की बात जो इकोनॉमिकल कंडीशन में गिरावट आई उस पर भी कुछ प्रमुख बातें कही जा रही हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सुधारों का और कुछ प्रमुख सुधारों के होने का आग्रह किया जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी का गठन और उसके बाद उसमें प्रमुख बातें। यदि हम बात करें कि केंद्र ने जीएसटी लागू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में आने वाली कमी के कारण राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। केंद्र सरकार के इस वादे के चलते बड़ी संख्या में जो अनिच्छुक राज्य थे वो भी इस पे सहमति के लिए हस्ताक्षर कर दिए। साथ ही साथ जीएसटी अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022 यानी कि जीएसटी कार्यान्वयन शुरू होने के 5 साल वर्षों तक जीएसटी संग्रह में 14% से कम वृद्धि आधार वर्ष जो 15-16 के अकॉर्डिंग है वाले राज्यों के लिए जो कंपनसेशन देने की भी गारंटी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। साथ ही साथ केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता भी है। क्षतिपूर्ति उपकरण जो 1 जुलाई 2020 तक चुनिंदा वस्तुओं, सेवाओं या दोनों आपूर्ति पर संग्रहित किया जाता है जाएगा, ये बातें भी कही गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। सभी करदाता जो कि विशिष्ट अनुसूचित वस्तुओं का निर्यात करने वाले जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को विकल्प चुनने वालों को छोड़कर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रहण और केंद्र सरकार उसके लिए प्रेषण के लिए उत्तरदायी है। और इसी प्रकार केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा होता है। तो इसमें यदि हम बात करें अगर न्यूज़पेपर में जो दिए हुए आर्टिकल, उसमें बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो अगर यदि स्टेट ने अपना संपूर्ण जो दायित्व है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को वसूला, उसके बाद जो इसका 14% का जो उसने वादा किया था उसमें यदि किसी भी राज्य का जैसे मान लीजिए अगर 10% हो गया तो 4% का जो कंपनसेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगी। और साथ ही साथ यदि पिछले दिनों के आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें लगभग कहा गया था 22% ही लगभग अभी तक भुगतान गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिला है। तो इन सभी प्रमुख कंसर्न को देखते हुए एडिटर ने कुछ प्रमुख एडवाइस और सलाह देने का प्रयास भी किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि अगर जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना है और भी कोई प्रमुख समस्याओं को समाधान से बचना है तो बेनिसेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द 12% जीएसटी। तो जीएसटी को सिर्फ अधिक कई देशों की तरह स्टेटमेंट देखने को मिलता है जीएसटी की भारत में कई प्रकार की रेटें हैं, दर हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस जीएसटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, वो भी कितने परसेंट पे, 12% पे, और इस 12% को 2 भागों में बांट दिया जाए, 10% और 2%। 10% में जो आधा यानी 5% सेंट्रल गवर्नमेंट और 5% स्टेट गवर्नमेंट अपना बांट ले और बाकी जो बच रहा है 2% उसको अर्बन और रूरल जो लोकल बॉडीज हैं इनके डेवलपमेंट के लिए उनको दे दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना बेहतर बेसिक रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं और उनकी भी कोई समस्याएं होती हैं तो उसको वो कवर करते हैं। तो ये लगभग जो भी इसके आस्पेक्ट हैं उसको अपडेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के जितने भी आस्पेक्ट रहे, जितने भी आर्टिकल्स रहे, उनको आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर दिए। अब देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की तो वो हमारा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट जीएसटी काउंसिल अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप सभी जीएसटी काउंसिल का गठन से लेकर अब तक की सभी एक्टिविटी को मिलाते हुए जो भी चाहें 100 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी जीएसटी के प्रति जो समझ है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी। तो आज के ये क्वेश्चन रहे और ये रहे आज से कुछ प्रमुख आर्टिकल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।